कैसे हो दोस्तों? आज हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं आप ही के बिजनेस के रिलेटेड और बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों के रिलेटेड। आज पूरे इंडिया के अंदर जब हम घूमते हैं और हमारी कंपनी की कंसल्टिंग अलग अलग कंपनियों को जब प्रोवाइड करते हैं, तो आप जैसे बहुत सारे लोग हमें क्वेश्चन करते हैं कि हमारा रिटेल का बिजनेस है, हमारा व्यापार है रिटेल का, डिपार्टमेंटल स्टोर हमने बनाया हुआ है, लेकिन आज हमें चैलेंजेस ये आ रही है कि हमारे वहाँ कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रही है। और वो सिस्टम न काम करने के कारण सुबह से शाम ज़्यादा घंटा हम खुद काम कर रहे हैं और बहुत सारी चैलेंजेस के अंदर हम गुजर रहे हैं। तो अब इस चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जाए और इसमें से बाहर कैसे निकला जाए, तो आज का जो पूरा टॉपिक रहेगा वो उसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे एचआर कंसल्टिंग का महत्व क्या होता है, एचआर कंसल्टिंग लेना क्यों चाहिए और एचआर कंसल्टिंग जो है उसकी ज़रूरत आपको क्यों है। तो ये दो तरीके से हम बात कर सकते हैं कि रिटेल कंसल्टिंग के अंदर हम आपको क्या हेल्प कर सकते हैं और उसी का एक पार्ट कि एचआर कंसल्टिंग के अंदर हम आपको क्या करके देंगे। तो टीम मैनेजमेंट कैसे होता है, टीम को ड्राइव कैसे किया जाता है, उन सारी चीज़ों को आज हम डिटेल के अंदर लाइव टेलीकास्ट करके लाइव एग्जांपल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाय सर, कैसे हैं? सर आई एम फाइन, आप कैसे? बस एकदम बढ़िया, आप बताइए। हाँ जी सर, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो वो सॉल्यूशन के लिए आया था मैं गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के पास। सर मेरा जनरल स्टोर है। ओके। और मैं और मेरे पापा पिछले 10 सालों से उसको रन कर रहे हैं। ओके। लेकिन अभी प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कि कुछ मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ मैं ठीक से। ओके। कभी मेरे पास टीम में बंदे ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं और प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। ओके। तो उसके रिगार्डिंग आप मेरे क्या सॉल्व कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है आपके पास? डेफिनेटली सर, आप एक राइट प्लेस के ऊपर आए हैं और आज राइट तरीके से हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जिस तरीके से हम कंसल्टिंग प्रोसेस जब करते हैं तो बेसिक एनालिसिस करके हम करते हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा जहां से मुझे क्लियरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी को आगे कैसे बढ़ाना है। बिल्कुल सर। बराबर, आपकी फर्म का नाम क्या है सर? सर मेरे फर्म का नाम है बाटू जनरल स्टोर्स। ओके। और कितने साल से ये फर्म आप रन कर रहे हैं? पिछले 10 साल से। ओके। कितने टीम मेंबर आपके साथ काम कर रहे हैं? सर 20 है। 20 लोग काम कर रहे हैं। आने वाले 5 साल का क्या विज़न आपने प्लान किया हुआ है? सर विज़न ये प्लान किया हुआ है कि मेरे को 2 से 3 जनरल स्टोर और बनाना है। ओके। अलग अलग एरिया के अंदर आपको और भी जनरल स्टोर डेवलप करने हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर बनाने हैं। ओके। और क्या चैलेंजेस अभी आपको फेस हो रही है? सर मेन चैलेंजेस यही है कि टीम मेरे पास टीम का इशू हो रहा है, टीम का इशू हो रहा है, उसके बाद रिटेलिंग का थोड़ा बहुत तो चल रहा है वो, बट मेरे पास मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, उसके बाद टीम सही से स्टेबल नहीं हो पाती है। Okay. कुछ टाइम के लिए रहती है, कुछ टाइम बाद चले जाती है, एकदम से कोई छुट्टी ले लेता है। और फिर सैलरी के टाइम पे भी इशू आता है। ओके। तो सारी चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, तो एक इसी के रिगार्डिंग कुछ मैनेजमेंट है आपके पास तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, आज जो सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ वो सॉल्यूशन एक केस स्टडी के साथ में दूंगा। Sure. तो आप क्या है उन चीज़ों को रिलेट भी कर पाओगे और आपको पता भी चलेगा कि ये सेम सिचुएशन किसी एक कंपनी को थी और आज से तकरीबन 8 साल पहले उस कंपनी को जब हमने कंसल्टिंग की हुई थी, आज उनके जो आपका ड्रीम है उनके खुद के मार्ट बन चुके हैं सर। डिपार्टमेंटल स्टोर तो उन्होंने कर ही लिए हैं, आज उनके खुद के मार्ट चल रहे हैं। तो एक किराना स्टोर से जो आपसे भी छोटा उनका स्टोर था वहाँ से उनका जर्नी शुरू हुआ था और आज ये डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर जो वो कन्वर्ट हुए और मार्ट के अंदर आज जो चले गए, जैसे आज हम डी मार्ट देखते हैं वैसे मार्ट्स उन्होंने बना लिए हैं हस्ती मार्ट करके। तो उसकी एक पूरी केस स्टडी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा और उसके बिहा पर मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगा। बराबर, जैसे कि जी जो चैलेंजेस आज आप हमारे पास लेकर आए हो सेम चैलेंजेस को लेकर आज से 8 साल पहले उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी और उस पर्सन की अगर मैं आपको बात करूं तो बहुत ही अच्छी उनकी पर्सनालिटी है, बहुत ही अच्छे वो पर्सन है जिनके साथ जब हमारी मीटिंग हुई तो मीटिंग के टाइम पर ही उन्हें हमारे ऊपर एक ट्रस्ट रखा, एक भरोसा रखा और उन्होंने बोला कि सर हमें आपके साथ जुड़ना है और हमारी ये चैलेंजेस जो है उसका सॉल्यूशन करना है। तो जब उन्होंने अपना किराना स्टोर जो वो चला रहे थे तो महादेव किराना स्टोर से उनका किराना स्टोर था, वो खुद सारी चीज़ों का ऑपरेशन खुद करते थे, उनका नाम भी बहुत बढ़िया है सोहम तेली। हाँ,
और बेसिकली बैकग्राउंड उनका जो है वो राजस्थान का है, राजस्थान से वो बिलोंग करते हैं। सूरत के अंदर इन्होंने ये अपना सफ़र शुरू किया था जब हमारे साथ उनकी कंसल्टिंग हुई, तो स्टार्टिंग के अंदर जो जो चैलेंजेस आपने उनको जो बताई है वो सेम चैलेंजेस उनको भी आ रही थी, और ये सेम चैलेंजेस के ऊपर सॉल्यूशन लाने के लिए हमारी जब उन्होंने कंसल्टिंग ली तो अब स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया वो पूरा जर्नी आपके साथ में शेयर करूँगा। हाँ जी सर, कि सबसे पहले हमने उनका एनालिसिस किया, उनके साथ काम करने वाले उनके जो ब्रदर्स थे या उनके साथ काम करने वाले उनके जो पिताजी थे या उनके साथ काम करने वाले उनके फैमिली मेंबर थे, उन सभी लोगों का एक मीटिंग करके हमने एनालिसिस किया और सभी लोगों की क्या क्या चैलेंजेस थी वो चैलेंजेस को हमने जाना। सेकंड पार्ट के अंदर उस टाइम पर उनके साथ 10 लोगों की टीम काम करने वाली थी, तो उन 10 लोगों के साथ भी हमने मीटिंग की, उनको क्या चैलेंजेस आ रही है, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी हमने जानने का प्रयास किया। और थर्ड फेज के अंदर जाकर उनके कुछ फिक्स कस्टमर बन गए थे, क्योंकि जिस एरिया में वो काम कर रहे थे उस एरिया में अच्छा उन्होंने रिलेशन बिल्ड कर लिया था, तो कुछ ऐसे कस्टमरों का हमने उनके पास से नाम लिया जिनका भी हमने एनालिसिस किया जो 10 साल से उनके साथ जुड़े थे, और कुछ ऐसे कस्टमरों का भी हमने उनके पास से लिस्ट लिया जो थोड़े टाइम के लिए जुड़े थे लेकिन फिर उन्होंने स्विच कर दिया, वो कोई और डिपार्टमेंटल स्टोर में जाना शुरू हो गए। तो इन सभी लोगों का एनालिसिस करने के बाद एग्जैक्टली हमें पता चला कि उस कंपनी के एग्जैक्ट चैलेंजेस क्या है, मेन चैलेंजेस क्या है, और जब हमें वो मेन चैलेंजेस पता चल गए तब हमने उसका ऑपरेशन करना शुरू किया। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो हमने उनके साथ किया कि उनके वहाँ काम करने वाले जितने भी उनके फैमिली मेंबर थे, टीम मेंबर थे और कस्टमर थे, उन सभी लोगों को ये पता ही नहीं था कि कंपनी का आने वाले 5 या 10 साल का विजन क्या है। तो एक बेहतर तरीके से हमने सभी लोगों के साथ बैठकर कंपनी का विजन मिशन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उसका हमने एक प्लान तैयार किया। वो प्लान जैसे ही हमारा रेडी हो गया तो जितने भी टीम मेंबर उनके साथ काम करने वाले थे उन सभी लोगों को मिलकर, उनके फैमिली मेंबर को मिलकर एक विजन मिशन लॉन्चिंग का एक इवेंट हमने किया। उस इवेंट में हमने जितने भी लोग वहाँ पर थे उन सभी लोगों को थैंक्स करवाया, एक रिटर्न गिफ्ट हमने उनको दिया, और वहीं से उन लोगों को एक कमिटमेंट हमने दिलाया कि आने वाले 5 साल अब आपको कंपनी को देने पड़ेंगे क्योंकि कंपनी अब ग्रो होने जा रही है। ठीक है, तो वहाँ पर काम करने वाला एक बंदा जो उस कंपनी के अंदर जब काम कर रहा था तो एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा था, आज आपको सुन के हैरानी होगी उसी कंपनी में वो एज अ पार्टनर आज उस कंपनी के साथ काम कर रहा है। ग्रेट। तो ये जर्नी उनकी जब रही तो उन्होंने किस तरीके से हमारे साथ वर्कआउट किया, हाँ। कि सबसे पहले हमने वो रिटेल आउटलेट को ओपन कैसे करना होता है, क्लोज कैसे करना होता है, उसकी एक सिस्टम हमने वहाँ पर तैयार की। जितने भी वहाँ पर जो आउटलेट्स थे उस आउटलेट्स के अंदर जितने भी डिस्प्ले थे वो डिस्प्ले को किस तरीके से रैकिंग हमें करना है, कैसे कस्टमर का आई लेवल जो है उनका बाई लेवल होना चाहिए, उन सिस्टम को सेट करके हमने वो सारे सेटलमेंट वहाँ पर की। फिर वहाँ पर जितने भी काम करने वाले जो टीम मेंबर थे उनका कोई सिस्टम नहीं था आने का, जाने का, खाने का, तो वो सारी चीज़ों को लेकर बहुत चैलेंजेस आती थी। आए जाते दिन वो सभी लोग कभी भी छुट्टी ले लिया करते थे, जो आपको चैलेंजेस फेस हो रही है, तो वही चीज़ का सॉल्यूशन करने के लिए हमने कंपनी के एक रूल्स बना लिए। जो बेसिक रूल्स हमने बनाए वो बेसिक रूल्स हमने बनाने के बाद टीम के बीच में अनाउंसमेंट किया और सभी लोगों का वहाँ पर एग्रीमेंट लिया, तो उसके बाद हर एक पर्सन जो है वो सिस्टम में काम करना शुरू कर दिया। सुबह में लोगों का आने का टाइम फिक्स नहीं था, शाम को जाने का टाइम फिक्स नहीं था, सभी लोग अपनी मनमानी करते थे, तो हमने वहाँ पर एक सिस्टम डेवलप की और एक हमने वहाँ पर थंबनेल का जो मशीन आता है वो हमने एस्टेब्लिश कर दिया। तो जितने लोग टाइम पर पंच करते थे उसके हिसाब से उनकी सैलरी कैलकुलेट होती थी, जो नहीं करते थे उनका रह जाता था, तो और लोग डिसिप्लिन में आना शुरू हो गए। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट वहाँ पर बने हुए नहीं थे, एक ही बंदा मल्टीपल काम करता था, बिल बनाने वाला भी हो, प्रोडक्ट दिखाने वाला भी हो, गोदाम से प्रोडक्ट लाने वाला भी हो, कस्टमर से बात करने वाला भी हो, कस्टमर को डिलीवरी करने वाला भी हो, तो ऐसे मल्टीपल काम करने के कारण वो 10 के 10 लोग जो है वो शाम तक थक जाते थे। और जब हमने एक दिन वहाँ पर रुककर एनालिसिस किया तो हमें ये पता चला कि 10 में से सभी लोग काम करने वाले नहीं थे, खाली 4 लोग ऐसे थे जो सबसे ज़्यादा काम करते थे और 6 लोग जो थे वो काम से भागते थे।
तो हमने क्या किया, पूरी कंपनी का जो ऑपरेशन है उसको ऑन पेपर लिया, कि एक कंपनी को रन करने के लिए, एक डिपार्टमेंट स्टोर को या किराना स्टोर को रन करने के लिए कितने काम होते हैं। और 100 काम का लिस्ट जब हमने बनाया तो वो 100 काम का लिस्ट हमने 10 लोगों के अंदर बांट दिया, सभी लोगों को उनके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दे दी, उसी काम का रिपोर्टिंग बनाने का हमने एक सिस्टम उनको दे दिया, और रोज शाम को उनको रिपोर्ट करके वहां से जाना था, और हर एक बंदे को उनका काम का चेकलिस्ट बनाकर हमने दे दिया। तो कोई भी पढ़ा लिखा नहीं जो इंसान था उसको भी क्लियरिटी होने लगी कि सुबह से शाम आकर मुझे इतने काम पूरे करने हैं। इससे पहले क्या होता था, कुछ लोग काम ही भूल जाते थे और शाम को रिपोर्ट में ये बताते थे कि सर ये तो दिमाग में ही रह गया, तो उसके कारण भी दिक्कत वहाँ पर होती थी। तो वैसे सिस्टम जब हमने वहाँ पर सेट की तो सभी लोगों का JDs बन गया, सभी लोगों का KRS बन गया, JD के अंदर उनका जॉब डिस्क्रिप्शन बन गया, KRS के अंदर उनको क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करना है वो बन गया, और वही चीज़ को लेकर कंपनी ने एक टारगेट डिसाइड कर लिया। तो जितने भी काम करने वाले लोग थे उनको जितनी तनख्वाह मिलती थी तो उनका माइंडसेट भी वैसा ही होता था, रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। तो उन लोगों का माइंडसेट ऐसा बिल्ड होने के कारण जितना उनको सैलरी मिलता था उतना एफर्ट करके वो चले जाते थे। तो हमने क्या प्लान किया, ऑनर्स के साथ हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, और उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा हर एक पर्सन की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों को इनिशिएटिवली देना पड़ेगा, और वो इनिशिएटिवली लेने के लिए उनको इंसेंटिव का स्ट्रक्चर बनाकर देना पड़ेगा। तो वहां से हमने उनका इंसेंटिव स्ट्रक्चर तैयार किया जहां पर उनका सालाना टर्नओवर जो 1 करोड़ के ऊपर था और उनका मंथली सेल्स जो 10 से 20 लाख था, तो हमने मिलकर टारगेट किया कि उसको 50 लाख तक पहुंचाना है। और हर एक टीम मेंबर को वहां पर हमने टारगेट दिया, और वो टारगेट के ऊपर जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उनका PMS हमने मेजर करना शुरू किया। PMS का मतलब ये रहता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम, कि आपके वहाँ जो 10 लोग काम कर रहे हैं, साल के एंड में जब इंक्रीमेंट करने की बारी आती है तो हम कैसा करते हैं, सबको 10% बढ़ा देते हैं। हाँ जी सर, बराबर। लेकिन ये सिस्टम से काम न करके हमने ऐसा सिस्टम वहाँ सेट किया, जो एफर्ट करेगा, जो ग्रो करेगा वो आगे जाएगा। और आज उसी में से एक बंदे ने जो सबसे ज़्यादा ग्रो किया वो उसी कंपनी का आज मालिक बना हुआ, पार्टनर बना हुआ। तो वो पार्टनरशिप का सफर एक जॉब पर्सन से लेके वहां तक का सफर जो उसका अचीव हुआ वो उसके PMS से। फिर हम ऑनर्स जो थे उनकी कोर टीम जो थी उनके साथ हम मीटिंग करते थे, और रिटेल जो है वो 365 दिन एक्टिव रहता है, 365 दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो हम जो इंडिया में काम करते हैं, इंडिया में 300 दिन त्यौहार होते हैं, तो वहां पर कोई भी तरीके की एक्टिविटी नहीं होती थी, तो वहां से जो फुटफॉल आना चाहिए वो कस्टमर का आता नहीं था। तो हमने क्या किया कि वहां पर अलग अलग दिन पर अलग अलग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, उस सेलिब्रेशन के हिसाब से हमने लोगों को ऑफर देने स्टार्ट कर दिए, उसकी कूपन बांटनी हमने स्टार्ट कर दी। तो ये एक्टिविटी करने से उनके पास पुराने 2000 लोगों के डेटा थे, वो 2000 लोगों का डेली अपडेट जब हमने करना स्टार्ट किया, व्हाट्सएप मार्केटिंग करना स्टार्ट किया और मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी स्टार्ट की, तो पुराने कस्टमर जो थे वो रिपीट होना शुरू हुआ। और उसी के साथ नए कस्टमर को भी लेकर आना था, तो नए एरिया और नई जगह जो डेवलपमेंट किया जाता था वहाँ की सोसाइटीज के अंदर जितने भी लोग वहाँ पर रहने वाले थे वहाँ पर हमने कैंपेनिंग करना शुरू किया, कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हमने हायर किया और उनके वहाँ जितनी भी औरतें जो होती थी उनकी एक छोटी सी पार्टी हम अनाउंस करते थे, जिसको आज हम कहते हैं ना कि किटी पार्टी, तो ऐसी किटी पार्टी का ऑर्गेनाइज करना हमने शुरू किया। उसमें हमने कुछ हैम्पर्स, कुछ गिफ्ट वगैरह प्लान किए और वो फुल्ली स्पॉन्सर्ड बाई कंपनी हमने रखा, और उसके अंदर हमने लोगों को कूपन्स बांटे, और उस कूपन का बेनिफिट लेने के लिए उनको हमारे वहाँ विजिट करने के लिए आना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम हमने सेट किया। तो नए नए एरियाज के अंदर जाकर नए नए लोगों को जब ये कूपन्स वगैरह मिलने स्टार्ट हुए वो लोग भी कस्टमर बनना शुरू हुए। तो जो उनका टर्नओवर जो महीने का 10 लाख का था वो 20 लाख तक चला गया पुराने कस्टमर से, और नए कस्टमर जब ऐड हो गए तो वही टर्नओवर उनका 30 लाख तक चला गया।
उसी टर्नओवर के अंदर जो बिलिंग साइज होती थी, फिर हमने बिलिंग साइज का कैलकुलेशन करना शुरू किया और अप सेल कैसे करना है, क्रॉस सेल कैसे करना है, उसकी हमने सिस्टम प्लान की। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन लोगों का बिलिंग साइज जो है वो 500 से 1000 के बीच बनता था, बहुत कम लोग ऐसे थे कि जिनका बिलिंग साइज 1000 से लेकर 2000 तक का बनता था, और बहुत रेड केस में लोग ऐसे थे कि जिनका बिलिंग साइज 2000 से लेकर 5000 का बनता था। तो हमने क्या करना शुरू किया कि जिन लोगों का बिलिंग साइज 500 से लेकर 1000 तक का बन रहा था, उनको हमने अप्रोच करना शुरू कर दिया कि 1500 तक का अगर आपका बिल बनता है तो आपको स्पेशल ये डिस्काउंट रहेगा और कुछ चीज़ें आपको एज अ कम्प्लीमेंट्री हम प्रोवाइड करेंगे। तो जिन लोगों का परचेसिंग पावर 1000 का था, उनका परचेसिंग पावर 1500 का होना शुरू हो गया, तो वहाँ पर भी इंक्रीमेंट आना स्टार्ट हो गया। और जिन लोगों का सेम 1500 से लेके 2000 का था, तो उनका वो इंक्रीमेंट हमने 2500 तक कर दिया, 3000 तक कर दिया, और उसके अवॉर्ड रिवॉर्ड हमने साइड कर दिए। तो जितने भी लोग वहाँ पर आते थे, उनके जो लॉयल कस्टमर थे, उनका हमने लिस्ट बना लिया, तो 100 कस्टमर उनके फिक्स कस्टमर थे जो उनके पास से ही खरीदी करते थे। तो उनका क्या, हमने कार्ड बना दिया और उस कार्ड के अंदर हमने पर डे की खरीदी के ऊपर, पर मंथ की खरीदी के ऊपर और पूरे साल की खरीदी के ऊपर उनको पॉइंट मिलने शुरू हो जाए। और ये पॉइंट के कारण पूरे साल के अंदर जिसका सबसे हाई वॉल्यूम जो क्रिएट होगा, उसको कंपनी की ओर से बम्पर प्राइस मिलेगा, ऐसा हमने वहां पर अनाउंसमेंट कर दिया। तो पहले होता क्या था कि बड़ी बड़ी चीज़ों को खरीदने के लिए लोग बाहर चले जाते थे, और छोटी छोटी चीज़ें खरीदनी होती थी तो यहाँ पर आते थे। अब लोगों को क्लियर हुआ कि हमारे पॉइंट्स अगर हमें बढ़ाने हैं तो बड़ी चीज़ों का भी रेवेन्यू हमें यहीं से करना पड़ेगा, तो लोगों ने दूसरी जगह जाना, खरीदी करना बंद करके उन्होंने वहीं से खरीदी करना शुरू कर दिया। और ये सारी स्ट्रेटजी जब हमने उनके साथ इम्प्लीमेंट की, उनके साथ रहकर ये सारी चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया, तो उनका जो टारगेट उन्होंने 50 लाख का लिया था, आज सुनकर आपको हैरानी होगी, वो 80 लाख तक पहुंच गया पर मंथ। और जब वो 80 लाख तक पर मंथ पहुंच गया, तो जितने भी काम करने वाले लोग थे उनको सबको इनिशिएटिवली जो उन्होंने लिया था एक्स्ट्रा अर्निंग करने का, तो उन सबको उन सभी लोगों को कमीशन मिलना शुरू हो गया। और कमीशन मिलना जब उन लोगों को शुरू हो गया तो उनकी अलग अलग एनर्जी आ गई। पहले एटमॉस्फेयर ऐसा था उनका कि कैसे काम नहीं करना है, उसका वो स्ट्रेटजी प्लान करते थे, क्योंकि उनको पता था कि करेंगे नहीं करेंगे पगार ही मिलने वाला है। फिर उनको ये पता चला कि जितना एक्स्ट्रा करेंगे उतना एक्स्ट्रा मिलेगा, तो सभी लोगों ने मिलकर कंपनी का एक्स्ट्रा वॉल्यूम कैसे क्रिएट हो उसके ऊपर काम करना शुरू। और एक बिजनेस जब उनका ये सारी चीज़ों को लेकर सेटल हो गया, और अलग अलग डिपार्टमेंट के जब एसओपी हमने बना लिए, और उस एसओपी को लेकर एक सॉफ्टवेयर जब हमने परचेस कर लिया, तो ओनर को पर डे कितना स्टॉक उनके पास पड़ा है, कितना बिल उनका काउंटर के अंदर से जा रहा है, कितना उनके पास डेड स्टॉक पड़ा है और कितना उनका पॉकेट का डिमांड है, वो सारी चीज़ों की रिपोर्ट मिलने स्टार्ट हो, और उस रिपोर्ट से उनको क्लियरिटी होनी शुरू हो गई कि पर डे उन्होंने प्रॉफिट कितना किया और पर डे उनका लॉस कितना जा रहा। और ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन जब उनको होना शुरू हो गया, तो उनको क्लियरिटी हो गई कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर से या एक किराना स्टोर से एक लिमिट है कि वही तक का मैं अर्न कर पाऊंगा, कि जो उनका 20 लाख का था वो पहुंच चुका था 80 लाख, मतलब उस एरिया के सराउंडिंग में जितना उनको धंधा करना था उसकी एक लिमिट आ गई। तो फिर उन्होंने क्या प्लान किया कि उसी को बड़ा करके पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स उन्होंने ले लिया और डिपार्टमेंटल स्टोर बना दिया। मतलब जो 10,000 स्क्वायर फीट में उनका काम हो रहा था, उस स्क्वायर फीट को बढ़ा कर उन्होंने 30,000 स्क्वायर फीट कर दिया। पहले जो उनका जो था वो 500 स्क्वायर फीट का ही था, तो वो उन्होंने इंक्रीज कर लिया। जब वो उन्होंने इंक्रीज कर दिया, तो वहाँ पर आने वाले जितने भी लोग थे उनकी डिमांड और बढ़ गई। तो जो और प्रोडक्ट की वो लोग डिमांड करते थे, तो उन लोगों की प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए ओनर्स ने अलग से नई प्रोडक्ट और नई चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर दिया। मतलब जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज थी उसमें और कैटेगरीज ऐड करनी शुरू कर दी, जैसे कि होम केयर के अंदर चले गए और होम केयर की प्रोडक्ट्स लेकर आना शुरू कर दिया, तो उसका भी मार्केटिंग बनना शुरू हो गया। फिर हर एक घर जो होता है, सभी जगह सुबह शाम पूजा होती है,
सभी लोगों के घर पे कुछ ना कुछ त्यौहार पे कुछ ना कुछ चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता है। तो उन्होंने स्पेशली एक ऐसी शॉप उन्होंने नीचे प्लान कर दी जहां पर पूजा के सारी कैटेगरीज के सारे सामान मिलेंगे। मतलब उन्होंने अपने ही बिजनेस के अंदर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करना शुरू कर दिया। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के अंदर होता क्या है, कस्टमर वही का वही रहता है, लेकिन उसकी जो नीड होती है उस नीड के हिसाब से हम अपने सेगमेंट ओपन करके जाते हैं। तो उस सेगमेंट में जब उन्होंने शुरू कर दिया तो बहुत सारे लोगों को केक की भी जरूरत पड़ती थी, बेकरी प्रोडक्ट की भी जरूरत पड़ती थी। तो थोड़ी जगह आगे जाकर उन्होंने एक बेकरी भी स्टार्ट कर दी और वो भी उन्होंने सक्सेसफुली रन करनी शुरू कर दी। और उस बेकरी की ओनरशिप उन्होंने उनके सबसे हाई परफॉर्म करने वाले बंदे को दी और वो बेकरी को संभालने की जिम्मेदारी उस बंदे ने उठानी शुरू कर दी। उसने एक ही साल के अंदर एक बेकरी में से 3 बेकरी कर दी, क्योंकि उसकी भूख वो ओनर से भी ज्यादा थी और वो आज भी उनके साथ जुड़कर काम कर रहा है। वेरी नाइस। तो ये जो जर्नी मैंने आपको पूरा शेयर किया और ये जो सारी बातें जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज वही कंपनी एक जाइंट कंपनी बन गई है। एच मार्ट करके आज उसकी कंपनी जो है वो अच्छी तरीके से काम कर रही है। अलग अलग एरिया के अंदर 5,000 से लेके 10,000 स्क्वायर फीट में उनके मार्ट बन गए और उस एरिया के जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर की जो ब्रांड है उस ब्रांड को उन्होंने टक्कर देने शुरू कर दिए। उतने लेवल का वॉल्यूम उनका क्रिएट होना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी खुशी की चीज़, क्योंकि जब हम उनके साथ मिले थे, उनके परिवार के साथ मिले थे, उनका सबसे बड़ा पेन उन्होंने ये बताया था कि सर आज धंधा तो बढ़िया चल रहा है, लाख रुपए में महीने का कमा भी रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है कि मेरे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं ना वो ऐसे हो रहे, ऐसे नहीं हो रहे। मैं समझा नहीं ये। हाँ, यही चीज़ आपको भी समझाना चाहता हूँ। उनका सबसे बड़ा पेन ये था कि सुबह 6 बजे वो घर से निकल कर रेडी होके 8 बजे तक आ जाते थे अपने शॉप पर, और जब वो 8 बजे के लिए निकलते थे तब उनके बच्चे सोए हुए होते थे। जब वो रात को 12 बजे जाते थे सारी चीज़ों को समेट कर, और जब वो घर पर पहुँचते थे तब भी बच्चे सोए हुए होते थे। तो बच्चे ऐसे ही बड़े हुए उनके, ऐसे हुए नहीं। मतलब जो क्वालिटी टाइम उनको अपने बच्चों को देना था, अपने वाइफ को देना था, अपने पेरेंट्स को देना था, अपने सिस्टर ब्रदर्स को देना था, वो दे नहीं पाए। और आज 5 साल के बाद खुशी ये है कि उनके पास पूरी टाइम की आज़ादी है। आज वो घूमने के लिए जाते हैं और जहाँ जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ के फ़ोटो क्लिक करके हमें भेजते हैं और हमें थैंक्स लिख कर भेजते हैं, और पूरे साल में एक बार उनका फ़ोन आता है थैंक यू कहने के लिए। तो ये जो पूरी जर्नी आज हमारी उनके साथ रही, सेम एज इट इज जर्नी हमें आपके साथ करनी। डेफिनेटली सर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक भरोसा रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको गुरुकुल के ऊपर एक ट्रस्ट रखना पड़ेगा। और जो काम हम करने वाले हैं, क्योंकि ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती, तो हम जितनी तैयारी आपको आगे बढ़ाने के लिए करने वाले हैं उतनी ही तैयारी आपकी भी होनी चाहिए। अगर आप वो तैयारी करने के लिए तैयार है तो हम भी आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल सर, हम तो तैयार हैं। बराबर। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में जो आपका सपना है कि 3 से 4 अपने आउटलेट्स हो और सारी सिस्टम जो अपनी साइड हो, तो ये एग्जांपल ही आज मैंने आपको इसलिए दिया, जो सेम चीज़ हमने वहाँ पर सेटअप की हुई है वो सेम चीज़ हम आपके वहाँ सेट करने वाले। बिल्कुल सर। और आपके वहाँ ही नहीं, ये जितने भी देखने वाले हैं उन सब लोगों के वहाँ ये चीज़ करने वाले हैं। अब आपकी बारी है ये सारी चीज़ों को सेटअप करना। अब आपकी वो चीज़ों को सेट करने की जिम्मेदारी अब गुरुकुल उठाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे अकेले के सोचने से ये चीज़ होने वाली नहीं है। आपको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी भी लाइफ है, आपकी भी ज़िंदगी है, और आप भी जिस पर्पज़ से आज अपना बिजनेस रन कर रहे हो तो आपकी भी इच्छा होती है कि आप अपने परिवार को टाइम दो, आपकी भी इच्छा होती है कि आप भी छुट्टियों पर जाओ, और आपकी भी इच्छा होती है कि समय की आज़ादी और पैसे की आज़ादी के आप हकदार बनो। लेकिन जब तक आप अपनी कंपनी में सिस्टम और मैनेजमेंट सेट नहीं करोगे, जब तक आप अपनी कंपनी के अंदर ऑटोमेशन तैयार नहीं करोगे, तब तक आपको ये पेन सहना पड़ेगा और पूरी ज़िंदगी आपको हार्डवर्क करके अपनी कंपनी को बिल्ड करना पड़ेगा, और उसके बाद भी आप थक जाएंगे। क्या करोगे उस पैसों का, जो पैसा कमाने के बाद उस पैसों को एंजॉय करने के लिए आपकी बॉडी आपको साथ नहीं देगी।
तो अगर ऐसी जिंदगी आप जीना नहीं चाहते हो और आप अपनी लाइफ के अंदर डेफिनेटली एंजॉयमेंट करना चाहते हो, तो 20 साल की मेहनत, 10 साल की मेहनत हम साथ में मिलकर 5 साल के अंदर तैयार कर सकते हैं, 2 साल के अंदर तैयार कर सकते हैं, और एक बार अगर आप मौका देंगे तो 3 महीना, 6 महीना, साल भर काम करके आपके भी बिजनेस को उस लेवल पर पहुंचा सकते हैं। तो क्या आप भी डीमार्ट की तरह, क्या आप भी डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह, जितने भी स्टोर या जितने भी फ्रेंचाइजी आज मार्केट के अंदर रन हो रही, तो वैसे ही अगर आप अपने बिजनेस को भी अगर रन करना चाहते हो, तो आपको नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करना पड़ेगा, हमारे एक्सपर्ट लोगों का आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा, और हमारी पूरी टीम आपके बिजनेस को ग्रो करने का कमिटमेंट लेती है और आपके साथ रहकर आपके बिजनेस को आगे ले जाने का जो चॉइस है वो हमने लिया हुआ है, और साथ में मिलकर हम आगे बढ़ेंगे और आज आपके बिजनेस को डेफिनेटली हम आगे लेकर जाएंगे। तो क्या आप अगर तैयार है, तो आज ये वीडियो देखने के बाद अब आपको एक्शन लेना है, और वो एक्शन लेकर आप ये बिजनेस के अंदर आगे ग्रो हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।